मेरा नाम है संजीव राय जी, और मैं मगधिया पंचायत से खड़ा हुआ हूँ मुखिया के पद पर जी। तो किस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? अभी यहाँ पर गरीबों को बहुत तकलीफ है जी, गरीबों का समस्या को लेकर उनके द्वार पर जा रहा हूँ जी। और मैं भी एक गरीब हूँ जी, गरीबों को कितना दिक्कत हो रहा है जिंदगी जीने में जी, ये हम लोग चिंता कर रहे हैं जी, जी। अगर सरकार जितना योजना दे रहे हैं ये योजना धरातल पर उतार दिया जाए तो गरीबों को बहुत दूर तक मदद मिल जाएगा जिंदगी जीने में। इसीलिए हम लोग सब गरीब मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं जी। और हम सबसे यही निवेदन करते हैं जो हमको सहयोग करिए जी। तो देखते हैं आपका मुखिया कैंडिडेट जो है सब बड़ा बड़ा गाड़ी से स्कॉर्पियो से बोलेरो से घूम रहे हैं और आप एक साधारण ऑटो से जा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, क्या कहना है इसके बारे में? वो लोग बड़े आदमी हैं, वो लोग के पास पैसा है रुपया है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मेरे पास गरीब जनता का विश्वास है और मेरे पास ये टेम्पू है, इसी से मैं कमाता खाता हूँ और इसी विश्वास के साथ मैं गरीबों के द्वार जा रहा हूँ कि हम गरीब को सहयोग करिए, हम सब गरीबों के लिए तैयार हैं और सबका जो भलाई होगा वो करेंगे। संजीव राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संजीव राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 साल कोरोना का पीरियड चला है, उस महामारी के दौर में आपने क्या कार्य किया है? उसके दरमियान हमसे जो बन पड़ा, जो हमारे घर आए, जिससे हमको जो लगाव था, हमसे जो बन पड़ा हम उनको मदद किए हैं, कमाने खाने में मदद किए हैं, कम किराए में सबको ले गए हैं। ज़्यादा दूर तक गाड़ी घुमा के ले जाना पड़ा है, जहाँ तक मेरा सरवा में बिशनपुर का पुल टूट गया था, डहुआ का पुल टूट गया था, मैं 20 किलोमीटर घंसको होकर गाड़ी घुमा के ले जाता था, मगर मैं किसी से ज़्यादा 1 रुपया नहीं लिया, जो मेरा किराया था मैं वही लेता था और किराया भी कम डिस्काउंट में, सबको कम किराए पर। तो आप इस मगडिया क्षेत्र को अभी तक क्या समाज के लिए क्या आपका योगदान है कि आपको वो जनता वोट करे? जनता के साथ मैं हर कदम मिला के चलता हूँ, जनता के साथ मैं कमाता हूँ खाता हूँ, उसको साथ जितना परेशानी होता है वो सब कुछ मैं सामने से देखता हूँ क्योंकि मैं उसके साथ होता हूँ। कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं जो जनता के साथ काम कर रहा हो, मैं मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी हूँ, मैं लोगों के साथ काम करता हूँ और इसलिए इसी विश्वास के साथ खड़ा हुआ हूँ। वो लोग भी जानते हैं ये विश्वासी आदमी है और ये विश्वासी वाला काम करेगा। सर हम लोग गरीब आदमी अगर खड़ा को जनता मौका दे, इस क्षेत्र की जनता मगडिया की जनता मौका दे तो आपका कार्य क्या होगा, प्रथम कार्य आपका क्या होगा? प्रथम कार्य होगा जी इस क्षेत्र का विकास के बारे में हम सोचेंगे और उसके बाद उसी बात पर हम काम करेंगे और जितने यहाँ पर गरीब माता पिता हैं सबका सुरक्षा योजना के तहत उनको पेंशन और जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए मदद और क्षेत्र में विकास होगा तो लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा, तो लोगों को अपना जीवन जीने में उनको मदद करेंगे। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनता को यही कहते हैं कि मैं गरीब आदमी आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ, आप लोग हमको सहयोग करिए, मैं गरीबों के लिए सब दिन खड़ा था और खड़ा रहूँगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्या नाम है आपका, किस गांव से आप हैं? बसबुटिया से। क्या नाम है? सरजू मांझी जी। बोलिए क्या विचार है आपका? विचार यही है सर, जो हम लोग गरीब आदमी इनको हम लोग खड़ा किया इसीलिए खड़ा किया जो गरीब आदमी को काम नहीं होता था, इसीलिए हम लोग गरीब को चुने हैं, इसी माना प्रकार से हम लोग जैसे जी पाएंगे हम लोग यही हम लोग कर रहे हैं। गरीब आदमी को जहिया दयाल भात हो जाएगा ना उसी दिन परब हो जाता है, यही बात बोलते हैं सर। हाँ।